दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। ये है तोंडली, जिसे महाराष्ट्र में तोंडली के नाम से जाना जाता है, बंगाल में कुंदरी के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कुंदरू या फिर तिंडोरा के नाम से जाना जाता है। इस सब्जी को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि ये कौन सी सब्जी है। तो आज मैं आपके साथ इसका बहुत ही सिंपल सा भड़वा वर्शन शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आज की रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हरा मूंग दाल, जिसका हम अक्सर दाल घर पे प्रिपेयर करते हैं, वही दाल एक बड़ा चम्मच। उसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, जब वो हल्का सा कलर चेंज करेगा तो हम उसमें रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। ऑलरेडी ये जो पीनट है वो रोस्टेड ही है, तो मैं इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी। अब गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। ये ठंडा होते ही मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक मिक्सी जार में। अब उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। अब इसे घुमा लेंगे हम और इसका हल्का सा पाउडर तैयार कर लेंगे। इस पाउडर को हमें स्टफिंग करना है टिंडोरा के अंदर। ये सब्जी दिखने में जितनी आसान लग रही है, यकीन मानिए खाने में उतनी ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, और जैसे ही आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके आके ज़रूर बताइए कि इस सब्जी को बना के टेस्ट करने के बाद आपको कैसा लगा है। तो यहाँ मैंने टिंडोरा को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। पानी से धो लेने के बाद दोनों तरफ में हल्का सा कट लगा लिया है और बीच में मैंने इस तरीके से चीरा लगाया है, जैसे हम भरवा बैंगन और भरवा भिंडी में लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये जो मैंने पाउडर बना के रखा था, उसे हम इसके बीच में स्टफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये पाउडर बच जाता है तो आप उसे फेंकिए मत, उसे इसी तरीके से साइड रख लीजिए। तो मैं इन सारे टिंडोरास को इसी तरीके से भर लूँगी और साइड रख दूँगी। हर एक सब्जी के हेल्थ बेनिफिट्स कमाल के होते हैं। टिंडोरा दिखने में जितना छोटा, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। हम सब ने इसे फ्राई के तौर पे खाया होगा, लेकिन इस तरीके से कभी भी मसाला प्रिपेयर करके नहीं खाया है। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के नए नए रेसिपीज़ आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो यहाँ मैंने इन सबको अच्छे तरीके से भर लिया है। ये एक जो टिंडोरा था वो मेरे हाथ से गलती से कट गया था, तो मैंने इसे साइड रख लिया है। तो यहाँ मैंने थोड़े से प्याज काट के रख लिए हैं, थोड़े से लहसुन जिनको मैंने कूट लिया है, और इसे भी साइड रख लेंगे। यहाँ तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी सरसों। इस सब्जी को आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सरसों के तेल में इसे प्रिपेयर करने वाली हूँ, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। अब मैंने यहाँ जो तड़के में आपको दिखाया है, सरसों, जीरा, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, इनको ऐड किया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें लहसुन ऐड कर लिया है। लहसुन के हल्का पकते ही मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज कटे हुए। अब इनको हल्का सा सॉटे करेंगे थोड़े वक्त के लिए लो फ्लेम पर। याद रखिए, प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसे लो फ्लेम पे थोड़े वक्त के लिए भूनते रहिए। जैसे ही आप देखेंगे प्याज ने अपना कलर बदल लिया है, तो हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नमक, थोड़ी सी हल्दी। कहते हैं नमक के साथ साथ हल्दी ऐड करने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। तो बस जल्दी से इसे मिक्स कर लेंगी और कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से पक कर मेल्ट ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस सब्जी में अगर आप इस तरीके से टमाटर ऐड करेंगे तो इसकी टेस्ट बहुत ही कमाल की आएगी। तो अब हमने जो भरवा तिंडोरा रखा है ना, उसे ऐड कर लेंगे और ऐड करके लो फ्लेम पर इसे मिक्स करके थोड़े वक्त के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छी तरीके से 50-60% कुक नहीं हो जाता है, ताकि ये हल्का सा क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से ये टिंडोरा बॉयल भी हो जाए। तो यहाँ देखिए, इसने अपना कलर बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से अपना चेंज कर लिया है। अब इसी तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे टैमरिन का पानी। इमली का पानी कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इमली को पानी में सोक करके रखिए थोड़े वक्त के लिए, फिर अच्छी तरीके से हाथों से मसलते हुए उसके पल्प को बाहर निकाल दीजिए, जो भी इसमें छिलका है वो,
और जो पानी है उसे इसमें ऐड कर लेना है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के अनुसार, जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो मसाले बच गए थे ना स्टफिंग पाउडर, उसे मैंने इसमें ऐड कर लिया है ताकि वो वेस्ट ना हो। अब इसे मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब तक कि ये टिंडोरा अच्छी तरीके से बॉयल ना हो जाए। वैसे तो हमने 50% पका लिया था, लेकिन बाकी का 50% अच्छी तरीके से पक जाए इसीलिए धीमी आंच पे ही हम इसे पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद देखेंगे ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है और ये जो टिंडोरा है वो भी 90% कुक हो चुका है। तो इसमें ग्रेवी में मिठास हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हरा धनिया। बस इसमें हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इसे स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप आज की रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छी लगी है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।